हेलो जी, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। उसके लिए हमने चार आलू को एक बाउल में रख लिया है और मैसर की हेल्प से हम उसे मैश करेंगे। अच्छे से मैश कर लेना है ताकि उसमें मोटे मोटे आलू ना रहें। अच्छे से मैश हो गया है। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे, नमक, आप मिर्ची भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे हम। आप इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। टेस्ट अनुसार मसाले ऐड करके अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं ज़्यादा नमक ना रहे। ऐसे मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा। अब हम आटे की लोई लेंगे, उस पर सूखा आटा लगाएंगे और इसे थोड़ी सी बेल लेंगे। ऐसे थोड़ी थोड़ी कानी बना लेंगे। इसके ऊपर बाउंड्री बना लेनी है। हाथ से ही बनाना चाहो तो बना सकते, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। अब इसके अंदर हम मसाला रखेंगे। ऐसे फोल्ड करके हम रोटी की तरह बेल लेंगे सूखा आटा लगा के। ऐसे धीरे धीरे बेलना है, हमारे आलू बाहर ना निकले इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बेलना हमें। अब हमने गैस ऑन करके तवा रख दिया है। अब हम इस पे हमारा पराठा डालेंगे। ये दूसरी साइड से थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। अब हम इस पे घी लगा लेंगे। आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ घी का यूज कर रही हूँ तो इस पे थोड़ा थोड़ा घी लगा लेंगे। फिर इसको दूसरी साइड पलट देंगे अच्छी तरह से घी लगाने के बाद। और अब इस साइड भी घी लगा लें। देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा लग रहा है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे ये, ज़्यादा टाइट नहीं बनते। पराठा बनकर तैयार है, अब इसे खा सकते हैं।
ये ज़्यादा तो दही और अचार के साथ ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।